हेलो अवरी वन वैसे स्टूडेंट जो खासकर सी यू सेट के थ्रू बी ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं चाहे वो डी यू में एडमिशन लेने के लिए या फिर जे एन यू या फिर बी यू की बात करें इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रहे हैं खासकर सी यू सेट के अंदर और अगर बीए बी ए में एडमिशन लेना चाहते हैं इस वीडियो में उसके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा और उसके कुछ एग्ज़ाम पैटर्न जो अब तक जो पता चल रहा है उसके बारे में सिलेबस के बारे में भी बात किया जाएगा हालांकि अभी मैं बता दूँ तो, ऑफिशियल फिर से इस साल के लिए यानी कि टू के लिए अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है कि हाँ जो भी सिलेबस होंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे बट उन्होंने यही कहा कि आने वाले वीक में आ जाएगा खैर ऐसे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करते रहना रुकना नहीं है ये मैं कहना चाह रहा हूँ अब आपको सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ सिंपल गूगल पे जाएंगे सर्च कर लेंगे सी यू सी ई टी एन टी ए आप क्या करेंगे सी यू सी ई टी क्योंकि ये याद रखिए सी यू का जो एंट्रेंस एग्जाम लेगा वो एन टी ए एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो ऐसे में मैं आपको एक पहला ये ट्रिक देना चाहूँगा कि एन टी ए ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं ट्वेंटी वन में वो सारे क्वेश्चन पेपर एसेस करने की कोशिश करिए क्योंकि उसका लेवल उसका पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहेगा जो सी यू जो एन टी ए ने लास्ट ईयर लास्ट ईयर लिया था रहने वाला होगा मैं मैं हंड्रेड परसेंट उसकी गारंटी नहीं तो लेकिन ये मान के चले कि ऐसा हो सकता है अब जैसे ही जब सी यू सेट सर्च करेंगे तो इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आइकन आएगा इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके का आइकन आएगा अभी के हिसाब से जो लास्ट ईयर का इनका सी सेट का सिलेबस था वो आपको सिलेबस ऑफ यूजी कोर्स का आइकन दिखेगा इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है क्लिक कर लेने के बाद आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करते ही यहाँ पे देखिए इस तरीके का आइकन आएगा अभी हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं सी यू सेट में जो एग्ज़ाम की बातें चल रही है वो थोड़ा एक मैं ब्रीफ में दे दूं देखिए आपका क्या होगा आ, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट पॉइंट पे लाता हूं जी अभी जैसे ये देखिए ये जो है अब जो लास्ट ईयर का जो कोर्सेज है वो कुछ इस तरीके से ये कोर्सेज है जैसे कि इंटरनेशनल बी ऑन इंटरनेशनल रिलेशन बी ऑन पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स कोरियन चाइनीज जोग्राफी जियोलॉजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एंड इसके अलावा और भी हैं तो ये बी ए इन सारे जो है कोर्सेस वो बीए के अंदर आते हैं और इन सब का एक ही एग्ज़ाम तो, जैसे जो सी सेट में एग्जाम होता है वो एक ही एग्ज़ाम होता है हाँ उसमें होता है ये पैटर्न क्या होता है कि लास्ट ईयर का जो पैटर्न है वो देख सकते हैं जैसे लास्ट ईयर ये था कि इंग्लिश पूछा गया था आपसे तो आपको इंग्लिश एटलीस्ट एस एस सी लेवल का अच्छे से करके जाना हो या उसी हिसाब से करके जाना होगा न्यूमेरिकल एंड एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन भी एनालिटिकल स्किल यानी इंग्लिश के बारे में आपको ढंग सॉरी एनालिटिकल स्किल भी आपको लेकर पढ़ना है रीजनिंग के बारे में जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज इन सब के लिए देखिए जहाँ तक जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड है ये इन सब के लिए आप लूसेंट का बुक फॉलो कर सको प्लस एलेवन ट्वेल्थ का नॉलेज होना चाहिए और इसके अलावा जो है इंग्लिश के भी नॉलेज होना चाहिए दूसरा मैथ्स का भी रीजनिंग हो गया लैंग्वेज हो गया ये सारा आपका नॉलेज होना चाहिए अब बोलेंगे इसकी स्टैंडर्ड क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड जो है वो ट्वेल्थ बेस होगी इन सारे का याद रखिए इसके जो स्टैंडर्ड हो वो ट्वेल्थ बेस होगी अब जो देखिए हालांकि आपको ये डायरेक्ट टॉपिक दिख रहा है इन्होंने ये मैंसन नहीं करा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और यही हो भी रहा है अब देखिए अगर जल्दीबाजी वाजी होगा तो फिर भी बस आपको टॉपिक बता दीजिएगा अगर टाइम मिल गया तो सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा एन के द्वारा तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए किस तरीके से होने वाले जैसे ये कहा जा रहा है कि जो पेपर आपके दो पार्ट में होंगे पार्ट ए में जो होगा उसमें आपका इंग्लिश रीजनिंग उसके अलावा करंट अफेयर हो सकते हैं उसके अलावा इंग्लिश uh, हो गया रीजनिंग हो गया मैथ्स हो गया ये सारे क्वेश्चन मिला के फिफ्टी मतलब फिफ्टी परसेंट पूछा जाएगा और रिमेनिंग जो फिफ्टी परसेंट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा अब जैसे मान ली कोई स्टूडेंट्स बी ऑन हिस्ट्री के लिए देना चाहता है तो उनको बी ऑन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी ये दो ऑप्शनल रहेगा आपको हिस्ट्री तो देना ही हिस्ट्री तो आपको रखना ही पड़ेगा ये दोनों ऑप्शनल रहेगा मतलब आपको एटलीस्ट तीन पेपर के बारे में ऑन नॉलेज होना जरूरी है जैसे तीन पेपर मतलब मान ली हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आप पढ़ के जाइए या हिस्ट्री साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ के चाहिए या हिस्ट्री आ... हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमिक्स हो गया और जो पेपर आते हैं उन सब के मतलब एटलीस्ट तीन पेपर के बारे में ढंग का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में तो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उनका सिलेबस बहुत हद तक सी यू सेट से मैच करता है दिख रहा है क्योंकि उनके उनका सिलेबस वही है फिफ्टी परसेंट जो है आप रीजनिंग uh, रीजनिंग uh, uh, हो गया मैथमेटिक्स हो गया इंग्लिश हो गया इन सब से पूछा जाएगा अब बाद कि फिफ्टी परसेंट जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा तो खैर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर के ये सिलेबस है इसके अलावा सबसे सब पहले आप क्वेश्चन पेपर एस करने की कोशिश करिए और यहाँ पे ऐड कर दे अगर किसी खास टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा आने वाले सीयू सेट को लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू